नमस्कार दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी साधारण और ऐसी शक्तिशाली विधि लेके आया हूं जिससे करते ही आपके शत्रु के रातों की नींद हराम हो जाएगी। वह अपने दिन का सुख, वह चैन, सब कुछ भूल के हमेशा के लिए अपनी ही परेशानियों में इतना उलझ जाएगा कि कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद हमेशा यही रहता है कि सभी लोगों की सहायता की जाए, ऐसे उपाय वह टोटके उन तक पहुंचाए जाएं जिनकी सहायता से वह अपने सारे के सारे शत्रुओं से बदला ले पाए, अपनी सहायता कर पाए, अपने कारोबार, अपने परिवार, उन सभी की समृद्धि के लिए अच्छे से अच्छे कार्य कर पाए। तो यही हमारी कोशिश रहती है दोस्तों। तो आज भी मैं आपको ऐसा ही एक उपाय बताने जा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों, शत्रु एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक व्यक्ति परेशान होता है, क्योंकि शत्रु ज्यादातर परिवार के लोग भी हो सकते हैं, सामाजिक लोग भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, या अपने परिवार में भी हो सकते हैं। तो शत्रु की ना तो कोई जात होती है और ना ही कोई पहचान होती है। अगर वह आपसे घृणा करता है तो वो किसी भी ओर से आपके ऊपर प्रहार कर सकता है। तो अगर आपके भी कोई ऐसे गुप्त शत्रु हैं या आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मुझे परेशान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को किस तरह से अपने रास्ते से हटाना है, उसको उसी की बुने हुए जाल में कैसे फंसाना है, तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी के बारे में मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूं। वैसे तो दोस्तों, टोटके इतने साधारण नहीं होते हैं, लेकिन हम वही टोटके बताने की कोशिश करते हैं जो साधारण हो और जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस उपाय को करने के लिए आपने क्या करना होगा कि आपको सफेद कागज चाहिए, काले रंग का या काली स्याही का आपको पेन चाहिए, उसके बाद में एक शहद की डिब्बी, ये तीनों की तीनों आपके पास चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों, मंत्र और टोटके की पूरी जानकारी लेने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपने क्या करना है कि इस यंत्र को इस तरीके से आपने दोस्तों इस यंत्र को कागज के ऊपर बना लेना है। यहां पर आपने बीच में शत्रु का नाम लिखना है। अगर आपके पास शत्रु का फोटो है तो आप यहां पर नाम नहीं बल्कि आपने यहां पर शत्रु का फोटो लगाना है। अगर आपके पास शत्रु का फोटो नहीं है तो आपने यहां पर शत्रु का नाम लिखना है, और उसी के साथ आपने नीचे भी अपने शत्रु का नाम लिखना है इस जगह के ऊपर, और यहां पर आपने अपने शत्रु के माता पिता का नाम और उसका पता लिखना है। ये सारी की सारी चीजें आपने इस यंत्र के ऊपर इस तरीके से दोस्तों लिख देनी है। और लिखने के बाद दोस्तों, आपने क्या करना होगा कि इस यंत्र को अपने सामने रख के आपने इस मंत्र का पूरे 109 बार, दोस्तों 108 बार जाप नहीं करना है, आपने पूरे 109 बार जाप करना है। कोशिश कीजिएगा कि उसी माला का इस्तेमाल करो जिसमें 109 मन के हों। बहुत ही कम ऐसी मालाएं होती हैं जिनमें 109 मन के होते हैं, क्योंकि 109 मन को वाली माला का इस्तेमाल ज्यादातर लोग तांत्रिक क्रिया में, अघोरी क्रिया में ही करते हैं, तो आपको शायद ना मिल पाए। लेकिन आपने टोटल 109 बार ही इस मंत्र का उच्चारण करना है, और उच्चारण करते समय दोस्तों इस मंत्र में यहाँ पे आपने शत्रु का नाम भी लेना होगा, ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं आपको मंत्र जो है एक बार पढ़कर भी बता देता हूं इस मंत्र को आपने किस तरीके से पढ़ना है। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपने मंत्र करना है, ओम नमो काल संग्राय शत्रु हन हन फट स्वाहा। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इस मंत्र का जाप करना है, और जाप करने के बाद आपने इन दोनों चीजों को, अगर आपने फोटो लगाया हुआ है तो फोटो के ऊपर आपने इस मंत्र को इस तरीके से उल्टा मार देना है, और मारने के बाद इस यंत्र को इस तरीके से आपने लपेट लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब आप इस यंत्र को पूरा का पूरा आपने इसी तरीके से लपेट लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपने ये शहद की डब्बी खोलनी है, और खोलने के बाद इस यंत्र को आपने इसी तरीके से नीचे तक डाल देना है, पूरा का पूरा शहद में भिगो देना है, और उसके बाद इस डब्बी को इसी तरीके से दोस्तों आपने बंद कर लेना है। और बंद करने के बाद आपने कम से कम सवा महीने तक इसका पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि सवा महीना एक ऐसा पीरियड होता है दोस्तों, अगर आप इसका पूरा ध्यान रखेंगे, ध्यान अगर आप घर में किसी स्थान के ऊपर इसे नहीं रख सकते, तो इसे आपने
ऐसी स्थान के ऊपर गड्ढा खोद के दबा देना है जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो गड्ढे में इसको दबा देना है, कम से कम 1.25 महीने तक ये गड्ढे के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय यानी कि ये जो यंत्र है ये इस शहद में मिल के धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होगा और जो मंत्र है उसके फोटो के ऊपर अपनी प्रक्रिया दिखाने लगेंगे, तो आपका जो शत्रु है वो पीड़ा से बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से अपनी परेशानियों में उलझने लगेगा और वो इस तरीके से उसकी रातों की नींद हराम हो जाएगी कि ना तो वो अपने कारोबार को देख पाएगा ना ही कभी आपको परेशान कर पाएगा। उसका व्यक्ति का दोस्तों हर एक काम के अंदर घाटा होता रहेगा, उसके परिवार में लड़ाइयां होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, मनमुटाव बढ़ने लगेंगे और वह व्यक्ति अपने कारोबार में भी दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरता जाएगा, उसको उठने का मौका तक नहीं मिलेगा। और अगर कुछ समय बाद आपको लगे कि आपका शत्रु बहुत ज्यादा परेशानियों से ग्रस्त हो चुका है, अब उसे इन सभी चीजों से मुक्ति दी जाए, तो दोस्तों आपने इस शहद की डिब्बी को लेना है वापस, इस यंत्र को इसी तरीके से आपने निकालना है। निकालने के बाद या तो यंत्र को जला दीजिएगा, अगर यंत्र को नहीं जलाते तो दोस्तों इसको जल प्रवाह कर दीजिएगा। इस तरीके से आप अपने शत्रु को प्रताड़ित भी कर सकते हो और उसको बाद में इन सभी चीजों से मुक्ति भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये पावरफुल तरीका है, तंत्र क्रिया है, निर्दोष व्यक्ति को बिल्कुल भी परेशान ना करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती किसी के परिवार के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और हम भी इन सभी चीजों के लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो आप भी कृपया ध्यान रखिएगा, अगर किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं, सीधा काम करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।